हाथी नाम था पर हाथी की तरह भी था भाई अपना, और बहुत अच्छा पहलवान रहा है हाथी पहलवान कई। राम राम जी, नमस्कार जी, भरतपुर वालों को भी राम राम, राम राम, और हाथस वालों को भी राम राम, जय श्री राम। तो भाई साहब, आज हम लोग जा रहे हैं अलीगढ़, और ये पीछे बैठे हुए राजस्थान के पहलवान जी। वैसे राजस्थान भी एक चीज तो देखिए, अपने अखाड़े पे मोस्टली जितने नए बच्चे हैं और जितने भी आ रहे हैं राजस्थान से ज्यादा आ रहे हैं। हाँ भैया, मैं राजस्थान से ही ज्यादातर कुश्ती लड़ा हूँ, राजस्थान में ही रहा हूँ। राजस्थान वालों का बहुत बड़ा प्यार है मेरे साथ, और मैं राजस्थान के ही नाम से भारत केसरी बनाऊँ और लोहागढ़ भी केसरी बनाऊँ, जसवंत केसरी भी बनाऊँ। तो ज्यादा से ज्यादा जो बुजुर्ग लोग हैं और छोटे बच्चे बड़े मेरे साथ के पहलवान है, हाथी पहलवान जी है। अब यार एक बात, हाथी पहलवान जी, जैसे कि हाथी पहलवान आपने लिया, तो वो हाथी की तरह थे या मतलब कि नाम ही उनका हाथी है? नहीं, हाथी नाम था पर हाथी की तरह भी था भाई अपना, और बहुत अच्छा पहलवान रहा है हाथी पहलवान कई बार का। मेरे अंदाज से 17-18 बार तो राजस्थान केसरी है, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल है पहलवान जी का, और नेशनल में, जूनियर नेशनल में भी मेडल है, सीनियर में कई बार लड़े हैं, और आज पुलिस में कार्यरत है राजस्थान पुलिस में। पहले मैं सोचता था जैसे हाथी नाम रख दिया है। नहीं, हाथी तो हाथी की तरह, नहीं, हाथी की तरह भी थे और हाथी की तरह ही खाना खाते थे, मैंने देखा है उनको, बहुत खाने वाले थे, बहुत सभ्य पहलवान थे, आज भी हैं, और बहुत सुंदर पहलवान हैं देखना आप। अब तो भक्त भी हैं, वो गिरिराज महाराज की परिक्रमा देते हैं और गिरिराज महाराज के दर्शन करने जाते हैं। ये तो राजस्थान से, तू तो मिला हुआ हाथी पहलवान से? भरतपुर से ही हूँ, हमारे गाँव के पास कहीं है भैया। कौन सा गाँव है? जगीने। तो मतलब कि आपस में तुम लोग कभी चर्चा करते हो ना हाथी पहलवान जी, ये हाथी पहलवान जी, तो मैं सोच में पड़ा मैंने यार हाथी पहलवान जी नाम रख दिया है या नाम ही है, तो मतलब कि क्या उनके बारे में क्या कुछ ऐसी चीज है? मैं इसको नहीं बताओगे, मैं बताऊंगा। जब हाथी पहलवान जी बैठे, जब अपनी पहलवानी पे रनिंग में थी, तो जब तक वो रहे रनिंग में रहे, तो लोहागढ़ केसरी और जिला केसरी, जब भरतपुर जिला केसरी, उनके सामने कोई नहीं टिका। अगर उन्होंने सोच अपने आप में ये देखा कि ये बच्चा बनाना है, तो वही लड़का बना फाइनल में जाके। नहीं, हाथी पहलवान ऐसा पहलवान था भरतपुर में कि बहुत बढ़िया पहलवान, सभ्य पहलवान। तो राजस्थान के लोगों को गर्व करना चाहिए, जिस तरीके से एक हाथी विशालकाय होते हैं, उसी तरीके से आपके राजस्थान में भी और भरतपुर जिले में ऐसे ही विशालकाय हाथी पहलवान जी हुए, उससे पहले कार्य सिंह पहलवान जी थे। हाथी पहलवान मेरी कुश्ती भी कई बार हुई है और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। सब पहलवान दोस्त ही होते हैं, कोई लड़ाई नहीं है, खेल तो खेल की जगह पर एक दूसरे को अच्छी तरह हम लाइक करते हैं। और भी पहलवान है, दादा पहलवान है, और एक सोनवी पहलवान थे जगीने के, वो भी बढ़िया पहलवान थे। एक लाखन पहलवान थे इनसे पहले, वो हमारे सीनियर हैं सबके,